हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। कैसे दोस्तों आप सभी? उम्मीद करूँगा आप सभी यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। और देख पा रहे हैं दोस्तों आप मेरे यहाँ पे GTA की एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो। तो अभी हमारे पास यार यही गाड़ियाँ हैं और भी गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर आ रही हैं, जो कि बहुत सारी गाड़ियाँ होने वाली है दोस्तों इस वीडियो में। तो यहाँ से सबसे पहले हमारी गाड़ियाँ जाएंगी, जो कि हमारे बने हुए यहाँ पे सस्पेंशन टेस्ट के, भाई ये रोड बना हुआ है जो कि पानी के अंदर से होने जाएगा दोस्तों। जी हाँ, पानी के अंदर से जाएंगी आज हमारी गाड़ी यहाँ पे अपने सस्पेंशन रोड को फेस करते हुए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पे पानी के अंदर दोस्तों, ये देखो भाई यहाँ पे पानी के अंदर कैसे यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी। फिर नीचे जाके दोस्तों यहाँ पे निकलना होगा आज अपनी गाड़ी को यहाँ पे अपने सस्पेंशन रोड से। तो जो जो गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ से निकलती जाएंगी वो अपनी यहाँ पे फेस करेंगी अपनी फिनिशिंग पॉइंट वाली लाइन को। तो यार देखना वो यार यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पे आती जाएंगी ना, वो आज हमारे यहाँ पे विनर गाड़ियाँ होती जाएंगी। तो मुझे यार यहाँ पे बेसब्री से इंतजार होता जा रहा है दोस्तों कि मेरी यार यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी आ जाए दोस्तों इसको यहाँ पे कर पाएंगी। उम्मीद है यार मेरी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी दोस्तों इसको यहाँ पे इजीली कर जाएंगी। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखना यहाँ पे भाई कौन कौन सी गाड़ी हमारी यहाँ पे कर पाएगी। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे मेरी गाड़ी को लाइनअप करने के बाद में। बारी हमारे यहाँ पे किया सेल्टोस की, तो देखना होगा क्या अपनी किया सेल्टोस भाई बाहर जा पाएगी गाड़ी का। भाई मैंने यहाँ पे यार कलर चेंज वगैरह सब कुछ करवा दिया था, तो गाड़ी मुझे यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निखर के लग रही है दोस्तों। बाकी आप सभी कमेंट करके बताने आपको कि ये वाला कलर पसंद आया या फिर नई गाड़ी का। मैंने संदूक वंदूक भी खोल दिया है, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी जा रही है अपनी किया सेल्टोस। देखना होगा क्या गाड़ी बाहर जा पाती है या फिर नहीं। और नहीं दोस्तों, गाड़ी बस भाई यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट से बस थोड़ा सा ही दूर रह गई थी, लेकिन कर जाती दोस्तों यहाँ पे अपनी किया सेल्टोस। बस थोड़ा सा ही पार्ट बचता था किया सेल्टोस का। मैं किया सेल्टोस को लगा देता हूँ साइड में और बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट गाड़ी पे। फॉर्चुनर लेजेंडर यहाँ पे चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्चुनर लेजेंडर के साथ में। तो यहाँ पे हमारी फॉर्चुनर लेजेंडर को इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही अपने सस्पेंशन वाले रोड पे, लेकिन गाड़ी यार यहाँ पे पानी में डूबती जा रही है। और ये देख लो, ये तो यार वहीं पर अपनी जहाँ तक सेल्टोस आई थी ये भी गाड़ी दोस्तों वहीं तक ही आके बंद पड़ गई। तो मुझे यार इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे यार बेसब्री से इंतजार हो गया दोस्तों कि मेरी यार यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी बाहर निकल पाएंगी। तो आप भी भाई मेरे साथ देखते रहिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना दोस्तों। और अपनी अपनी फेवरेट गाड़ी को दोस्तों आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हो। टाटा हैरियर अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारी टाटा हैरियर जा रही है आगे। अब देखना होगा क्या हैरियर बाहर जाएगी या फिर ये भी बंद हो जाएगी। लेकिन हैरियर ने दोस्तों यार यहाँ पे कर दिया है कमाल। और हमारे यहाँ पे पहली गाड़ी जो कि हमारे यहाँ पे वाटर सस्पेंशन टेस्ट को पार करके दोस्तों बाहर निकली है, जो कि हमारी होती है यहाँ पे हमारी टाटा हैरियर। तो यहाँ पे वन एंड ओनली अभी तक की हमारी यहाँ पे विनर रही है गाड़ी, जो कि यार आपको पता ही है यार यहाँ पे दिल जीतते हैं इस वाली गाड़ी ने। मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर खड़ा कर देता हूँ। ये गाड़ी तो यार कहीं पे भी जा सकती है, आप सभी को पता है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट गाड़ी पे। महिंद्रा थार यहाँ पे बिल्कुल रेडी, अब देखें क्या महिंद्रा थार अपनी बाहर जाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे गाड़ी कर रही है स्ट्रगल, लेकिन बाहर भी जा रही है उसी स्पीड के साथ। और जी हाँ, यहाँ पे हमारी महिंद्रा थार भी दोस्तों यहाँ पे इजिली बाहर गई है। तो एक और गाड़ी हमें यहाँ पे मिलती है भर भर के विनर। तो अब जाके यार यहाँ पे गाड़ियों का लारा लगने लग गया मेरे हिसाब से। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और मिलता हूँ आप सभी को एक और ब्रांड न्यू गाड़ी पे। हुंडई वरना यहाँ पे परफेक्ट रेडी है गाड़ी, ऑल ब्लैक हुई है यहाँ पे आज। अब पानी में भी डूब रही है यार गाड़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर। लेकिन गाड़ी निकलने से बस यार यहाँ पे थोड़ा सा ही चूक गई दोस्तों, ज़्यादा पार्ट यहाँ पे गाड़ी का नहीं बचा था, बस थोड़ा सा ही पार्ट बचता था यार। आप यहाँ पे देख लो यार कितना पानी बचता था, बस थोड़ा सा ही पानी बचता था दोस्तों। लेकिन सस्पेंशन यार यहाँ पे गाड़ी के थोड़े से लो होने के कारण दोस्तों यहाँ पे गाड़ी नहीं कर पाई। और ये देख लो भाई कैसे टहल रही है, मानो यहाँ पे जो ये बना हुआ दोस्तों ये पार्ट हमारा, इसके बीच में गाड़ी आगे अटक गई है, जिसकी वजह से यार यहाँ पे गाड़ी ऐसा मूवमेंट दिखा रही है हमें करके। तो चलिए मैं गाड़ी को लगा देता हूँ बाहर। मेरे भाई मारुति सुजुकी बलिनो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब देख रहे हो क्या अपनी बलिनो यहाँ पे निकल पाएगी या फिर नहीं। हमारी दो गाड़ियाँ उस साइड आ चुकी हैं और एक गाड़ी इस साइड में आगे खड़ी होगी दोस्तों। यहाँ पे हमारी इनोवा क्रिस्टा आ गई है, उधर यहाँ पे अपनी टाटा एल्ट्रोज और फोर्ड, ये हमारी फोर्ड की एंडेवर है दोस्तों, ये भी आ चुकी है। तो चलिए तब तक हम यहाँ पे अपनी बलिनो को लेके बढ़ते हैं, हमारी और भी गाड़ियाँ आनी रहती है अभी तो। और यहाँ पे अपनी बलिनो चल रही है दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी बाहर जाएगी या ना, लेकिन नहीं दोस्तों ये तो पहले ही बंद हो गई थी। और लेकिन इसने एक दो सस्पेंशन एक्स्ट्रा ही दोस्तों यहाँ पे कवर कर लिया, लेकिन वरना भाई इससे भी थोड़ा सा आगे थी वो, तो यार बिल्कुल एंड पे खड़ी होगी थी यार यहाँ पे जाके। तो चलिए यार बलिनो को भी बाहर लगाना पड़ेगा, बलिनो भी नहीं कर पाई दोस्तों। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ही ज़्यादा थी दोस्तों इस वाली गाड़ी से। मेरी फोर्ड के एंडेवर यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके दोस्तों, बिल्कुल एंड बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम आपके साथ में। इस गाड़ी के सस्पेंशन की तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है,
बस पानी को फेस कर जाए हमारी यहाँ पे फोर्ड के एंडेवर। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के टायर्स किट निकाल रहे हो, ये देखो भाई नीचे गिर गई। अब यार आप ही बताना भाई, गाड़ी ने फिनिशिंग लाइन तो दोस्तों यहाँ पे नहीं पार की थी, उससे पहले ही यार हमारे यहाँ पे एंडेवर बाहर लग के यार यहाँ पे अपनी फिनिशिंग पॉइंट से पहले यार यहाँ पे गाड़ी बाहर गिर गई थी दोस्तों। क्योंकि यार गाड़ी के ये वाले टायर ना स्किट निकालते निकालते यार बहुत ही ज़्यादा, बैनी भैया ने आज यार यहाँ पे हमें चेंज करवा के नहीं दिए, तो यार ये बैनी भैया का ही फॉल्ट था। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम भाई यहाँ पे बैनी भैया को यार थोड़ा डांट वाट लगाऊंगा यार तगड़े वाली, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं अपनी एंडेवर में ये वाले टायर अभी नहीं लगवाता हूँ। तो भाई मैं अभी से ही भाई गाड़ी को वहाँ पर भेज रहा हूँ उनके पास में, तो मैं मिलता हूँ आपको धमाकेदार अगली गाड़ी पे। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे रेडी हो चुकी है, अब देखना होगा यहाँ पे गाड़ी जा रही है अच्छी खासी अभी तक तो। लेकिन यहाँ पे आके गाड़ी को सस्पेंशन की प्रॉब्लम हुई है और यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ पाई गाड़ी और यहीं पे टक गई, यहाँ पे ना आगे जा रही ना पीछे जा रही है। मैं इसको यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन वगैरह घुमा के देख रहा हूँ इसको, गाड़ी बाहर निकल ही जाए बस मैं तो यही सोच रहा हूँ यार। लेकिन गाड़ी कर नहीं पा रही है दोस्तों, ये तो यार साइडों में भी नहीं जा रही है, जिससे कि यार मैं इसको बस सर्वाइव तो करवा लूँ। ये देख लो यार, मुझे इसको यार हटाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं कर पा रही दोस्तों किसी भी एंगल में, गाड़ी बाहर भी नहीं निकल रही और यार बंद भी नहीं हुई अभी तक, तो मैं इसको बाहर लगा देता हूँ। स्कॉर्पियो S11 यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रेडी है गाइस, अब देखेंगे हम आप सभी के साथ। यहाँ पे गाड़ी डूब चुकी है पूरी ही पूरी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आ रही स्कॉर्पियो S11 यार यहाँ पे परफेक्टली बाहर आई है। तो आज हमें मिलती है हमारे यहाँ पे तीसरी गाड़ी तो ये दोस्तों, और भाई फोर्ड की एंडेवर का आप ही यार यहाँ पे परफेक्ट जज रहने वाले दोस्तों, क्योंकि गाड़ी ने यार यहाँ पे हमारी फिनिशिंग लाइन तो यहाँ पे क्रॉस नहीं की थी, लेकिन जो हमारे पानी वाला पार्ट था ना उसको तो यार यहाँ पे गाड़ी ने बेखूबी से निभाया था और उससे तो यार गाड़ी यहाँ पे इजीली बाहर आई थी। बाकी आप सब यार मुझे कमेंट करके बताना क्या हमारी यहाँ पे फोर्ड की एंडेवर इजीली यहाँ पे अपना सब कुछ कर गई है या फिर नहीं, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट नहीं क्रॉस की थी दोस्तों। लेकिन फिनिशिंग पॉइंट का हमारा इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं था, लेकिन बस ये ना था कि यार गाड़ी थोड़ा स्किट निकाल रही थी, उसकी टायर की प्रॉब्लम रहती है आप सभी को पता ही है। बाकी आप सभी जैसा कमेंट करोगे यार वैसा ही आपका यार यहाँ पे कमेंट सबसे ऊपर रहेगा दोस्तों। टाटा एल्ट्रोज यहाँ पे परफेक्ट रेडी, अब देखेंगे हमारी टाटा एल्ट्रोज बाहर जाएगी या फिर नहीं। गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है अच्छी खासी मूड के साथ, लेकिन यहाँ पे गाड़ी को दिक्कत आई और यहाँ पे गाड़ी बंद पड़ गई, यहाँ पे गाड़ी हमारी बंद हो गई है, इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाई है। मुझे यार बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है यार मेरी कुछ गाड़ियों के लिए जो यार यहाँ पे बीच में ही रह गई दोस्तों, वो भी पानी के कारण। तो हमारे यहाँ पे मेन मोटिव दोस्तों यही था कि हमने यार सस्पेंशन टेस्ट तो बहुत कर लिया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि दोस्तों क्या हमारी गाड़ी यार यहाँ पे हमें ऐसा कभी रोड मिले कि जिससे हमारी यार गाड़ी ना यहाँ पे ऐसा सिचुएशन भी फेस कर सकती है, तो उसको यार यहाँ पे सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे देखनी चाहिए। हमने सस्पेंशन टेस्ट बहुत किए हैं, लेकिन क्या हमारी गाड़ी की ऐसी सिचुएशन हो सकती है हमारे गेम में यहाँ पे कभी भी, जिससे यार हमें यहाँ पे ऐसा रोड मिल सके कहीं पे भी जहाँ पे हम भाई फंसे हों किसी मिशन के दौरान। तो इस वजह से दोस्तों मैं यार यहाँ पे ये वाला टास्क कर रहा हूँ आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे दोस्तों, महिंद्रा XUV500 यहाँ पे बिल्कुल रेडी है दोस्तों, देखेंगे क्या गाड़ी बाहर जाएगी। यहाँ पे गाड़ी पूरी जान लगा रही है यार अपनी पूरी जान, और उसके बावजूद दोस्तों यार हमारे यहाँ पे एक और परफेक्ट विनर गाड़ी हमें मिलती है आज। यहाँ पे यार स्पेस कम ही है हमारे पास, एक दो गाड़ी और निकली तो भाई मुझे इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी और यहाँ पे विनर गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी आज। महिंद्रा बोलेरो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे अब गाड़ी आगे बढ़ेगी, यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे गाड़ी बना रही है, अब देखेंगे क्या गाड़ी बाहर जाएगी। और यहाँ पे गाड़ी बाहर निकल ही गई थी ऑलमोस्ट दोस्तों, लेकिन उससे पहले यार गाड़ी बंद पड़ गई, मानो गाड़ी यार यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा खासा दिखा जाती है, लेकिन भाई आज बंद हो गई भाई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी यार मेरी यहाँ पे बोलेरो बंद हो सकती भाई, क्योंकि यार गाड़ी में दम बहुत था दोस्तों, ये बात कहनी पड़ेगी, लेकिन गाड़ी बंद पड़ गई यार। अब यार ये तो भाई इसके इंजन पे डिपेंड करता है कि भाई ये सर्वाइव कितनी देर तक कर सकती है, लेकिन भाई गाड़ी ने यार यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया एंड तक आके, ये भी खुशी वाली बात होती दोस्तों। बस थोड़े ही पार्ट से गाड़ी यार यहाँ पे चूक गई यार, तो भाई हम घबराएंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में भाई और भी अच्छा परफॉर्म कर दे, क्या पता हमारी बोलेरो। हुंडई क्रेटा यहाँ पे बिल्कुल रेडी, अब देखेंगे अपनी क्रेटा पानी की रानी सस्पेंशन में भी कामयाब रहती है या फिर नहीं। और ये देख लो, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे गाड़ी रही कामयाब, लेकिन अब जाके फंस गई यार। अबे अबे भाई थोड़ा पीछे ही आ जा यार, यार ये तो अभी यहाँ पे फंस गई आके। गाड़ी देख लो, मैं इसकी हर डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करने की सोच रहा हूँ यार, यार जैसे तैसे भी करके ना बाहर निकल जाए बस यार। चलो भाई चलो, कैसे भी निकली हो यार क्रेटा हमारी, निकल तो गई ना, यही बहुत बड़ी बात है।
एक बार दोबारा देखूंगा करके ट्राई, लेकिन नहीं भाई उस साइड तो नहीं गई यार। इसका भी यार यहाँ पे एंडेवर वाली ही सिचुएशन होंगी। दोस्तों आप भी यार कमेंट करके बताना क्या भाई हमारी क्रेटा एंडेवर की तरह ही है या फिर नहीं। दोस्तों बस इन दोनों गाड़ियों का रिजल्ट भाई मैं आपके अंडर सौंपता हूँ सारा कुछ यहाँ पे, आप बता देना भाई जैसी भी आपकी यहाँ पे राय हो। XUV 700 यहाँ पे परफेक्ट रेडी। अब देखेंगे क्या अपनी XUV 700 बाहर जाएगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमारी XUV 700 बाहर निकलने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है और यहाँ पे गाड़ी निकल गई भाई बाहर, लेकिन भाई यहाँ पे स्पेस अब जाके नहीं बचा यार यहाँ पे। तो भाई मुझे इन गाड़ियों को यार यहाँ पे हटवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ और गाड़ियाँ भी रहती है भी हमारे यहाँ पे टेस्ट होना, तो वो यार यहाँ पे सारी गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पे स्पेस का थोड़ा हमारा इशू रहता है। अभी यहाँ पे गाड़ी एकदम निकलती है भाई, क्या अब तक किसी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो भाई हम वहाँ पे नीचे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि गाड़ी एक दूसरे के ऊपर आगे गिरेगी तो भाई यहाँ पे डैमेजेस लग सकते हैं ज़्यादा वाले। तो मैं इन गाड़ी को हटा देता हूँ दोस्तों और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट गाड़ी पे। अगली गाड़ी हमारी यहाँ पे स्विफ्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी मारुति स्विफ्ट। अब देखना होगा क्या गाड़ी हमारी यहाँ पे निकल पाएगी। तो मेरी कुछ गाड़ियाँ और अभी तक तो आ चुकी है दोस्तों, अब देखना होगा क्या हमारी और गाड़ी यहाँ पे आ पाती है या फिर नहीं। तो अगर कुछ गाड़ियाँ रह जाती भाई दो चार, तो भाई मैं उनको भाई पार्ट टू में यहाँ पे कवर अप करूँगा, अगर भाई पार्ट वन का रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलता है तो। तो यहाँ पे स्विफ्ट चलती है, अब स्विफ्ट जा रही है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे बंद भी हो गई यार यहाँ पे स्विफ्ट। लेकिन भाई बंद होने के बावजूद दोस्तों यार ये एक दो लेटर को तो यार यहाँ पे कंप्लीट कर लेती है, जिससे पता लगता है कि भाई गाड़ी के भाई यहाँ पे सस्पेंशन तो अच्छे है, लेकिन भाई मोटर के अंदर यहाँ पे सस्पेंशन गाड़ी के अच्छे नहीं है दोस्तों। बारी आती है हमारे यहाँ पे i10 की, देखें क्या अपनी i10 बाहर जाएगी या फिर नहीं। और गाड़ी की स्पीड है अच्छी खासी यहाँ पे, तो इस वजह से यार हमारे यहाँ पे i10 ईजिली बाहर आ गई दोस्तों। यहाँ पे छोटी गाड़ी थी लेकिन ये जादू करके दिखा जाती है दोस्तों हमें यहाँ पे हर बार, इसको भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, ये बात तो सच्चाई दोस्तों, इस बात में कोई भी यहाँ पे झूठ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यार गाड़ी अपना परफॉर्मेंस कभी भी लैक नहीं होने देती दोस्तों। आप सभी ने यार देखा होगा मेरी यहाँ पे वीडियोस में, जिसमें भाई i10 यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस सुपर से भी ऊपर देती है दोस्तों। यहाँ पे ये आ गई हमारी यहाँ पे फॉर्चुनर, अब देखना होगा क्या फॉर्चुनर हमारी बाहर जा पाती है या फिर नहीं। फॉर्चुनर यहाँ पे चल चुकी है, लेजेंडर हमारी यहाँ पे नहीं कर पाई थी, लेकिन ये वाली फॉर्चुनर दोस्तों यहाँ पे ईजिली कर गई दोस्तों। जी हाँ 4x4 की पावर में गाड़ी आती है, तो इसको इतना ज़्यादा यार यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बात भी कहनी पड़ेगी। और हमारी यार यहाँ पे जो नए वाली फॉर्चुनर आनी है, जिसका मैंने यहाँ पे भाई पोल भी डाला था, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाली दोस्तों, क्योंकि यार थोड़ा सा मेरी यार यहाँ पे फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं थी, इससे यार मैं यहाँ पे गाड़ी नहीं परचेज कर पाया जल्दी ही। लेकिन भाई बहुत ही जल्द मैं आप सभी के यार यहाँ पे सरप्राइज करने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी। हुंडई ओरा यहाँ पे रेडी है, अब देखेंगे क्या अपनी ओरा बाहर जाती है या फिर नहीं। और गाड़ी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, और यहाँ पे ओरा बाहर आई है दोस्तों, बाहर आई है, बस यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रही है गाड़ी अब, बस इसको मैं जैसे तैसे भी बाहर ले जाऊं। गाड़ी यहाँ पे हार मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे हार भी नहीं मान रही है और बाहर भी नहीं आ रही है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं गाड़ी को सोचा इस साइड में उतार के भाई यहाँ पे गाड़ी को तो सर्वाइव कर लूँ। तो भाई ये भी हमारी यहाँ पे तीन गाड़ियाँ हो गई हमारी ऐसी, यहाँ पे क्रेटा एंडेवर और अपनी ओरा। जैसे भी भाई आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स रहेगा दोस्तों, हम यहाँ पे उसकी भाई यहाँ पे दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। आप जो भी दोस्तों हमें यहाँ पे आप कमेंट करोगे, आपको पता है भाई सिचुएशन क्या है इन तीन गाड़ियों की, आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। और हाँ भाई वीडियो थोड़ा लंबी जरूर हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा देखा करो, जिससे आपको हर गाड़ी की डिटेल में यार यहाँ पे सारी चीज़ें मिल सके, और आप अपनी अपनी फेवरेट गाड़ी को दोस्तों उससे कंपेरिजन कर सके, या फिर भाई आप जो गाड़ी को एक यहाँ पे पर्टिकुलर नज़रिए से देखना चाहते हैं भाई, उसको अच्छे से आप यहाँ पे एग्जामिन कर सके। मारुति सुजुकी डिजायर अब यहाँ पे रेडी है, अब देखें क्या अपनी डिजायर बाहर जाएगी। ये भी यार यहाँ पे इंजन पानी में घुसते ही भाई इनका इंजन यार यहाँ पे बंद हो जाता है मारुति की गाड़ियों का, ये बात मैंने यार यहाँ पे स्पेशली नोटिस किया दोस्तों, लेकिन मुझे कहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन गाड़ियों दोस्तों यहाँ पे भाई अफरा तफरी भी मचा के दिखा रखी है। बहुत सारे भाई इन्होंने चैलेंज यहाँ पे जीते, पानी वाले भी जीते हैं, लेकिन आज यार हमारे यहाँ पे बलेनो भी, हमारी डिजायर भी और हमारी स्विफ्ट भी दोस्तों, ऐसे ही गाड़ी यार यहाँ पे मेरी बंद पड़ी है। लेकिन उनका रीज़न सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही निकल के आता है यहाँ पे, रीज़न उनका भाई ये रहने वाला है यार यहाँ पे कि भाई आप सभी ने देखा यार, जैसे भाई मैंने यहाँ पे अपने सस्पेंशन रोड पे आज अपनी गाड़ी को भाई अंदर पानी की तरफ जैसे ही भाई लेके गया मैं, गाड़ी भाई बिल्कुल भाई जाते ही भाई 10% पानी के अंदर जाते ही उसके इंजन पे भाई पता नहीं क्या ऐसा प्रेशर आ रहा है कि भाई यहाँ पे गाड़ी तभी तुरंत उसी टाइम भाई यहाँ पे बंद पड़ रही है, जिसकी वजह से यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई है भाई गाड़ियों को।
अब बारी आती हमारी यहाँ पे वेन्यू की, क्या हमारी वेन्यू बाहर जा पाएगी दोस्तों? और वेन्यू यार यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड के साथ दोस्तों यहाँ पे बाहर निकल गई। जी हाँ, वेन्यू आज हमारी यार यहाँ पे बाहर निकल गई। तो भाई ये खुशी से भाई यहाँ पे कम कोई यहाँ पे भाई सेलिब्रेशन बनता नहीं है दोस्तों, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार जब मेरी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ दोस्तों हमें भर भर के देखने को मिलता है कि यार मेरी यहाँ पे बहुत ही सारी गाड़ियाँ दोस्तों यार यहाँ पे बाहर निकली है। तो भाई एक मानो दिल से अंदर से भाई यहाँ पे हैप्पीनेस जाग ही जाती है दोस्तों। देख लो भाई यहाँ पे तितलियाँ वितलियाँ भी यार घूम रही है यहाँ पे, माइकल को देख के भाई ये भाग रही है यहाँ पे, क्योंकि माइकल अभी इनके भाई यहाँ पे टहनियों को भाई यहाँ पे खराब कर रहा है। तो भाई मैं इसको बाहर ले जाऊंगा, क्योंकि यार सभी को भाई अपनी अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको आज वाली वीडियो मेरी यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और भाई मेरे चैनल को भाई आप यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज ऑलवेज।